थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, थैंक यू अब्बा फादर, थैंक यू होली स्पिरिट फॉर दिस टाइम, ये समयों के लिए परमेश्वर तुझे धन्यवाद करती हूँ। जो आज का दिन परमेश्वर आज तूने हमें दिखाया है, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। खुदा परमेश्वर, तू सबसे महान परमेश्वर है, तू सबसे सामर्थ्य परमेश्वर है। जैसा मैंने मांगा, जैसा हमने मांगा, वैसा तूने हमें दिया, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हमने मांगा था कि हमें हम परमेश्वर फोर्टिफाई करें अपने आप को। मेरे खुदा परमेश्वर, जैसा मैंने मांगा था वो तरह से तूने मुझे शुरू करके दिया, धन्यवाद करती हूँ खुदा। खुदा परमेश्वर, तू बहुत महान परमेश्वर है, तू पवित्र परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है परमेश्वर। खुदा बापा, हम तेरा बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं कि जानते नहीं जानते हर जगह में तू ही एकमात्र हमारा सब जगह में परमेश्वर रहा। खुदा परमेश्वर, तेरे ये ईमान के लिए, तेरा ये फेथफुलनेस के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तू भारी फेथफुल है, तू भारी विश्वास योग्य परमेश्वर है, इसके लिए हम तुझे बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं। तूने हमें परमेश्वर यीशु मसीह का खून देकर खरीद लिया है, हमें तूने अंधकार के जगत में से बाहर निकाला है। मेरे खुदा परमेश्वर, हमारे ऊपर तूने अपने आत्मा को भेजा, हमें वो सिखाया जो तेरे राज्य में हमें जीने की ज़रूरत है। हमारे अंदर तूने वो वचन को भर दिए जिसकी हमें आत्मा में चलने के लिए ज़रूरत है। अब पिता, हमें हमारे मन को तूने नया किया है, हमारे हृदय की हर एक मलिनता, हर एक दुष्टता का तूने परमेश्वर पर्दाफाश किया है। हर जगह में खुदा तूने हमारे जिंदगी को आगे बढ़ने का रास्ता खोला है। खुदा परमेश्वर, हर एक हमारा प्लान जो हम कोई जगह में परमेश्वर होना चाहिए वो तू ही ने सेटअप किया है। अब पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। और रबा खा सील रबियान तुरा रदान खिल बर्रा खा अस्कीर बखुम बरो खोस्ता लहतकुन बर्र के इहा खोम रखे लरहस्ता रदे नना मा सील रबियान दुरा रिदा नना मगाहाशे अहस्कीर बखुम रखुम रखा सियान दुरो रदे नना मा सील रखम रुखो शहन तखा सियान दुरा रिदा निने मिखे सीखे बर्र के इहाज कुर बखुम बरो खोस्तो इहां तखा बस शहन तखे बर्र के लरबियान। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ याहवे, मेरे सारे सोचों को मैं तेरे सामने लाके रखती हूँ खुदा। मेरे सारे सोच तेरे सामने खुल जाए खुदा, मेरे सोचों में भरे हुए सारे कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पड़े हुए हर एक बातें तेरे सामने खुल जाए खुदा, तेरा उजियाला उसमें आने लगे याहवे। ओ याहवे, तेरा उजियाला उसके अंदर आने लगे परमेश्वर। हर एक कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस में जो भी पड़ा है सबके ऊपर तेरा उजियाला आने दे परमेश्वर। जहाँ तेरा उजियाला पहुँचता है वो हमारी समझ में आने दे परमेश्वर। और रबा बखा सील रबियान दुरा रदान नमगा हास्ते और हास की रब खुम्बरो को हश की रब खुम्बरोसा उस की रब खुम्बरी खाम रखो शहंत खार बार रखा हत कीन बर रखे लरबा हस्ता लहत कुन बर रखे हाता नना मा सील रहस्ता लहत कुन बर रखे हान दगा बा शहंत खा बा सिया दुरो रदे नना मा सील रबियां दुरोस्तो लहत कुन बर्र के इहाब जोगो बर्रो को बहा का सियान दुरो रिदानी में खेल रबिया कुंबर रखा लरा अतके अरब कुंब रखास्ता लत कोर बर्र को शहत केर बर्र के लर बहाव दीन नमासी अस्केर बकुंबरो को हाथीन नमा सेलर बहास्ता। मेरे खुदा परमेश्वर, हम खुदा आत्मा के जगत में जिस तरफ से शैतान के लिए खुले हैं वो सब जगहों पर तेरा उजियाला डाल परमेश्वर। वो सब एरिया ऑफ लाइफ पर तेरा उजियाला डाल, तेरे वचन हमको प्राप्त होने दे। और मेरे खुदा, उस जगहों को हमेशा परमेश्वर तेरे वचनों से बंद करने का हमें तू सामर्थ्य दे, अनुग्रह दे परमेश्वर। इस समय प्रभु यीशु के नाम से वो सारे दरवाजे जो शैतान की ओर से खुले हैं, यीशु के नाम से मैं वो सारे पोर्टल्स बंद कर देती हूँ, वो सारे क्रैक्स मैं बंद कर देती हूँ।
हर प्रकार के डिविशंस मैं यीशु के खून से बंद कर देती हूँ। प्रभु यीशु के खून से मैं बंद कर देती हूँ। हमारे शरीर, प्राण, आत्मा के अंदर कोई भी हथियार जो शैतान के लिए दरवाज़ा खोलता है, जो शैतान को लेकर हमें चिंतित करता है, जो शैतान के कामों को अट्रैक्ट करता है, हर एक वो एलिमेंट हमारे शरीर में से, वो आज अभी उसी के ऊपर यीशु मसीह के नाम से उजियाला आ जाए। और वो अंधकार की जो भी शक्ति है, जो वो एलिमेंट होकर हमारे शरीर में बैठी है, यीशु के नाम से हमारे जिंदगी में से, हमारे शरीर में से, हमारे आत्मा प्राण में से निकल जाए। मैं यीशु के नाम से तुझे आज्ञा करती हूँ, मेरे शरीर के अंदर तुझे रुकने का कोई अधिकार नहीं है। जहाँ कहीं से भी तुझे भेजा गया है, मैं तुझे यीशु के नाम से बाहर निकल जाने की आज्ञा करती हूँ। और रब बखा सील रिहांतराहा हदंत किलर बियांतुरो रदे नना मासील रबियांतुरो अहिंत खाबा शखे नमर रखा सिहांतु को बो सोलो रो बहोस्तो अहस्की रो बखुम्ब रो खो हाथी नना मास तेल रो बहास्ता। जो भी हमारे जो बॉडी सोल स्पिरिट का जो भी हमारे पास एज एक प्रकार का आवरण है, जो आवरण के अंदर कोई भी प्रकार से किसी को भी पियर्स कर दिया गया है, घुसाया गया है, वो हर एक शक्ति बाहर निकल जाए। पवित्र आत्मा का जोर हमारे ऑरा में भर जाए, हमारे पेरिफरी में भर जाए, हमारे सोचों में भर जाए, हमारे बॉडी के अंदर परमेश्वर का आत्मा बहने लगे, हमारे आत्मा में, प्राण में, हमारे शरीर के हर एक मांस, हड्डी, लहू, हर एक फ्लूइड के अंदर, हमारे हर एक इमोशंस, फीलिंग्स के अंदर परमेश्वर का आत्मा बहने लगे, हमारे अंदर वो हमें शुद्ध करने लगे। पवित्र यीशु का आत्मा जो सच्चाई में हमको चलाता है, वो हमारे ब्रेन में बहने लगे, वो हमारे ब्रेन के सोच जहाँ कहीं पर भी कोई भी जगह में बंदिश किए गए हैं, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा वहाँ पर जाए और हमको आज़ाद करे। जिधर हमारी जुबान को कोई भी प्रकार के पाप के कामों में अटकाया है, उधर से हमारी जुबान को पवित्र आत्मा छुड़ाए, हमारे गले को छुड़ाए, हमारे हाथों को छुड़ाए, हमारे पैरों को छुड़ाए। यीशु मसीह का खून हमारे लिए दिया गया है, पवित्र आत्मा हमको छुड़ाने के लिए आगे बढ़िए। पवित्र परमेश्वर के स्वर्गदूत, यीशु मसीह का खून हमारे लिए दिया गया है और परमेश्वर के स्वर्गदूत हमें छुड़ाए। अब पिता, हम तुझसे विनती करते हैं, तेरे शब्द हमारे ऊपर बोल, तेरे आवाज़ को हमारे ऊपर रिलीज कर। मेरे यीशु के नाम से हम विनती करते हैं, तेरे अभिषेक को हमारे अंदर से ज्वलंत कर। और रब बखा सील रबियांतुरा रिदान न मगास्ते, जिस जगह में खुदा परमेश्वर हमने अपने अंदर कोई भी अंधेरे को प्रेम करके रखा है और उसको जाने नहीं देते हैं, वो अंधेरे के ऊपर अटैक कर परमेश्वर। मेरे खुदा, तेरे उजियाले से अटैक कर, तेरे उजियाले को उसके सामने लेकर आ और उसको पर्दाफाश कर। कोई भी अंधेरे के काम हमारे शरीर, प्राण, आत्मा के अंदर कोई भी समय में, कोई भी समय में अंधेरे के काम हमारे अंदर छुपकर बिठाए हैं, हमने खुद छुपकर बिठाए हैं और किसी को वो दिखना नहीं चाहिए, हम इसके भारे इंतजाम करते हैं। अब पिता, उसके ऊपर तेरा उजियाला आने दे और वो छुपे ना रहे, वो एक्सपोज हो जाए और उसकी ताकत खत्म हो जाए। मेरे खुदा परमेश्वर, जो भी हमारे ब्लड लाइन की ओर से, जो हमारे शरीर, प्राण, आत्मा को परेशान किए हुए दुष्ट आत्माएं हैं, अगर कोई भी समय वो आने का रास्ता है, यीशु के नाम से वो समय का पोर्टल और वो जगह जहाँ से वो आते हैं, यीशु के नाम से मैं यीशु के खून लगाकर बंद करती हूँ। और रब बखा सील रबियांतुरा रदे नना मसील रबियांतुरा रिकाम बरो खोश हंत खा बसियांतुरा रदेन खिल बर रखा अहत किन बर रखो अहांत खा बशहंत खासा। हमारे शरीर, प्राण, आत्मा के ऊपर जो एनचैंटिंग या इनकैंटेशन के कनेक्शन से, यीशु के नाम से मैं उसे ब्रेक करती हूँ। हर एक इविल एनचैंटिंग्स, इविल कोई प्रकार के हमारे ऊपर कम्युनिकेट किए गए कोई भी शब्द जो हमारे लिए खोले गए हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। अगर हमने खुद ऐसे कोई शब्द जो चैंटिंग के शब्द है या कोई प्रकार से
हमारे शरीर प्राण आत्मा के विरोध जाने वाले कोई शब्द है, वो सब शब्दों को, हमारे खुद के शब्दों को यीशु मसीह के नाम से हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यीशु मसीह के नाम से जो हमारा पर्सनल हेवन है उसमें हम प्रभु यीशु का खून लगाते हैं। अगर हमारे पर्सनल हेवन को किसी ने भी छेड़ा है और कोई दरार करके कोई भी जगह से हमारे पर्सनल हेवन में एंट्री करने का उनके लिए रास्ते रखे हैं, यीशु के नाम से उन रास्तों के ऊपर उजियाला आ जाए, पवित्र आत्मा आ जाए और वहां से एंट्री होने वाले हर एक रास्ते प्रभु यीशु के खून से मैं बंद करती हूँ। पवित्र आत्मा हमारे पर्सनल हेवन की रखवाली कर मेरे यीशु, इस पृथ्वी के ऊपर जो पर्सनल हमारे जमीन का भाग है उसके ऊपर हम परमेश्वर तेरे खून को लगाते हैं। उस पर्सनल जमीन के भाग को अगर किसी ने भी परमेश्वर कोई भी प्रकार से छेड़ा है और उसके अंदर एंट्री होने का या परेशान करने का कोई समय लगाया है, कोई चांद और सूरज और सितारों और प्लैनेट्स के द्वारा हमारे आसमान और जमीन को इकट्ठा करके, हमारे हवा मंडल को इकट्ठा करके, चार दिशाओं को लगाकर मेरे खुदा जो कैलकुलेशन करके हमें कोई भी प्रकार से बुरे समयों में कैप्टिवेट किया है, यीशु के नाम से उसके ऊपर उजियाला लेकर आ पिता, तेरा वचन उसके ऊपर लेकर आ परमेश्वर, और पवित्र आत्मा आगे बढ़े प्रभु यीशु के खून के कारण हमें उन सारे कैप्टिविटी में से छुड़ा कर बाहर लाए। पवित्र आत्मा आगे बढ़कर हमको छुड़ा कर लाए, पवित्र आत्मा हमको छुड़ाए, हमें आजाद करने के लिए पवित्र आत्मा उन सब जगहों में प्रवेश करे जहां से हमें कैप्टिवेट करके लेकर गए हैं। अब पिता हम तुझसे विनती करते हैं, हम तेरे अधीन आते हैं, हम अपने सारे इग्नोरेंस के लिए, इनोसेंस के लिए, सिंपल माइंड के लिए माफी मांगते हैं। हम सब जगह जहां हम केयरलेस रहे, लेजी रहे, हम सब जगह जहां पर हमने तुझ पर अविश्वास दिखाया, हर जगह जहां पर हमने तेरे वचन के विरोध चलने की हिम्मत जुटाई, सब जगहों के लिए हम तुझे माफी मांगते हैं। वो सारे समयों में हमने उठाए हुए हर एक स्टेप्स के लिए पिता हम खुद जिम्मेदार है, हम माफी मांगते हैं। मेरे यीशु तेरे खून को हम आगे बढ़ाते हैं और हम विश्वास करते हैं कि तेरा खून हमें माफ करता है, तेरा खून हमें शांति में लेकर जाता है। तू मार्ग है, तू सत्य है और तू ही जीवन है। यूनिवर्स के अंदर हमको तू ही वो मार्ग है जहां से हम परमेश्वर तक पहुंचते हैं, तू ही वो सत्य है जिसके द्वारा हम पिता परमेश्वर को जानते हैं, और तू ही वो जीवन है जो अनंत काल का जीवन हमें देता है। अब पिता तेरा जीवन हमारे अंदर है और वो जीवन फलदायी होना है। खुदा जो प्रभु यीशु के साथ जुड़ा रहता है वो फलदायी होता है। अब पिता हम तुझसे विनती करते हैं, हमारे हर वो वीकनेस, हर वो कमजोरी जो हमारे विवेक बुद्धि में से हमें परमेश्वर चुभती है, मेरे खुदा जो हमें चुभन देती है, जो हमें याद दिलाती है कि हम क्या प्रकार से तेरे विरोध चले हैं, वो सब जगहों को प्रभु यीशु का खून हम लगाते हैं और पिता परमेश्वर तेरी शांति और तेरी माफी हम स्वीकारते हैं। मेरे यीशु हमारे विवेक बुद्धि को शुद्ध करने वाला तेरा पवित्र वचन हमारे अंदर भरना तू शुरू कर, हमारा विवेक बुद्धि को शांत और तेरी परमेश्वर माफी का तू दर्शन दे और तू ताकत दे परमेश्वर, ताकि हमारी विवेक बुद्धि तुझे परमेश्वर कबूल करे और तुझे ही हम परमेश्वर याद रखे, और तेरे अलावा हमें अपने गलती गुनाह याद करके हमें कमजोर ना बनाए। अब पिता हम तुझसे ये बहुत बड़ा अनुग्रह मांगते हैं मेरे यीशु के नाम से, पिता हमारे हर एक लाइफ के हर एक एरिया हम तेरे पवित्र खून के नीचे लाते हैं। हम बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं तुझे मेरे यीशु कि हमको शैतान कुछ बनाना चाहता था लेकिन उसके अंदर से हमको तूने छुड़ा कर लाया है। खुदा परमेश्वर हमारे ऊपर शैतान ने कुछ लिख कर रखा था लेकिन तूने उन सब बातों को रद्द किया, तूने परमेश्वर शैतान ने लगाई हुई दिशाओं को भटका दिया। मेरे यीशु के नाम से मेरे खुदा परमेश्वर ने मेरे जिंदगी में काम किया है,
थैंक यू फादर गॉड, हम इस बड़ी बात के लिए, ये बड़े छुटकारे के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु के नाम से पिता। हम अपने पैरों को जो भी बांध के रखा है, जो भी परमेश्वर हमको विपत्ति के रास्ते चलने के लिए, विपत्ति के समयों में बाहर निकलने के लिए और विपत्ति के समयों के अधीन जाने के लिए, जो भी हमारे पैरों को कॉल करता है, जो हमारे पैरों को दुष्ट आत्मा बांध कर रखा गया है, जो कोई कंट्रोल कर रहा है हमारे चलने के फुटस्टेप्स को और टाइमिंग्स को, उसके हाथों से पवित्र आत्मा आगे बढ़ और हमें छुड़ा, हमारे पैरों को छुड़ा। मेरे यीशु के नाम से हम तुझे विनती करते हैं पिता, प्रभु यीशु का खून ऊंचा करते हैं हमारे पैरों को, जो भी टाइम के द्वारा और परमेश्वर पिता जो भी दिनों के द्वारा जो हमें कंट्रोल करता है, कोई प्रहर के द्वारा हमको कंट्रोल करता है, हमारे फुटस्टेप को, हमारे चलने की अवस्था को कंट्रोल करता है और हमारे हर एक परमेश्वर पिता जीवन के हर एक पहलू को वो नियंत्रित कर रहा है, बुरे समयों में हमें खोल रहा है और अच्छे समयों में हमें दबा रखा रहता है। वो सब कंट्रोल्स जो कर रहा है उसके ऊपर अटैक कर मेरे खुदा, उसके ऊपर तेरा उजियाला रिलीज कर मेरे यीशु। वो तेरे वचन का भय खाने लगे खुदा, वो तुझे देखने लगे, जैसा फिरौन के बादशाह, जो फिरौन बादशाह था, वो जैसा स्वर्गदूत इज़राइल के लिए रखवाली करते हुए पीछे मुड़कर इज़राइल के लिए वो फिरौन की आंखों में देखा और डराया उसके सेनाओं को, वो तरह से हमारा पीछा करने वाली, हमारे ऊपर कंट्रोल लेने वाली, हमको सताने का हर समय में हमें कैप्टिविटी के करने के लिए, बंदिश करने के लिए जो हमारा पीछा करता है, उस शैतान के आत्माओं से भरे हुए लोगों को परमेश्वर मैं तेरे हाथों में लाती हूँ। हम परमेश्वर उन लोगों को माफ करते हैं, लेकिन उनके कंट्रोल में जो आत्माएं हैं उनको तू परमेश्वर तेरे स्वर्ग दूत से आंखें दिखाने की मैं तुझसे विनती करती हूँ। मेरे यीशु के खून के कारण मेरी विनती को सुन परमेश्वर। मेरे खुदा, जैसा फिरौन की सेना लड़खड़ा कर भगदड़ी मच गई और वो पलट कर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वहीं पर वो पूरी पानी के अंदर खत्म हो गई सेना, और साथ में फिरौन और उसका सब कुछ खत्म हो चुका, उसका नामो निशान तक नहीं रखा। मेरे खुदा परमेश्वर, वो अंत हमारे पीछे आने वाले हर एक दुष्ट आत्माओं को देने की मैं तुझसे विनती करती हूँ। यहाँ जो भी अपने अपने पास जो भी स्टॉक रखा है आत्माओं का, और वो आत्माओं का स्टॉक लेकर हमारे खिलाफ वो प्रभुत्व करने का वो ऊपर ऊंचा उठता है अपनी घमंड के कारण, मेरे यीशु के नाम से उसकी घमंड टूटने वाला ऐसा उजियाला उसके ऊपर भेज परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं यीशु के नाम से पिता, प्रभु यीशु के खून से हम पिता ये प्रार्थना को आगे बढ़ाते हैं और हम मांगते हैं कि उन लोगों के ऊपर तेरा उजियाला भेज परमेश्वर, तेरा उजियाला भेज उनके ऊपर यीशु। और रबा खतिया कुंभ रखा सियांदुरा रदे नमक सिखेल रबियांतुरा रिदान नमक हस्ते अहजेगे बर्रे खेल रबिया कुंभ रखा अहसियांदुरा रदान नमसील रबियांतुरा अदेन तखाबा शखे दबरखा यान तुखाबा सियांदुरा रिदान खिल बर्रखा अहतकिन बर्रखो उहान जिगे बर्रखे शैन तखास्ता अहस्के रब खुम्बरखो बुहा खतिया खुम्बरखा हतियांदुरा रदेन खल बर्रखा अहस्के रब खुम शहन तखार बहार रखान दरहा ओहा जिगे बर्रखे लरबियांदुरा रिदान नमगा सियांदुरा रदेन खिल बर्रखा अहतकिन बर्रखो ओहा जिगे बर्रखे लरबास्ता लहतकुन बर्रखा अहतिया खुम्बरखा यान जगो बर्रखो को शांत कास्ता और हास की रुब खुंबरों को हाथिया खुंबर कास्ता। मेरे परमेश्वर, हमारे ऊपर अटैक करने के लिए जो इमेजेस, जो डॉल्स, जो आर्टिकल्स पकड़ के रखे गए हैं, यीशु के आत्मा उसके ऊपर उतर कर आ, उसको भस्म कर, उसको हर एक आत्माओं के ताकत में से, हर एक दुष्ट के ऑल्टर पे से उसे पूरी तरह से नाश कर दे। और रबा खासील रबियांतुरा रदान नामा खासेल रबियांतुरा, हम उन जगहों पर यीशु मसीह का खून आगे बढ़ाते हैं जो जगहों में हमें कैप्टिवेट करके रखा हुआ है, उस सब जगहों में यीशु मसीह का खून आगे बढ़ाते हैं। और रबा खासी
Lila Rabiantura Radana Namagaha Siandura Radin Kilbaraka Hutkin Barako Ohant Kaba Siandura Radia Kumbaraka Hutkin Barake Ihandura Askira Bakumbaraho Ashkir Bakal Raha Hatia Tunanakaste Lohakatia Kubraka Raha Tia Tunkin Barakasta Ohazege Bereke His Kurba Kam Shant Karaha Siandura Mere Yeshuke Namse Ham Binti Karte Abba Pita Ki Hamare Har Ek Jagaha जो परमेश्वर रोग समय में, काल समय में, उद्वेग समय में, चंचल समय में परमेश्वर हमारे जिंदगी से जॉइंट होते हैं और सैटनिक पोर्टल्स के काम हमारे अंदर रिलीज किए जाते हैं, वो सब एरिया ऑफ लाइफ उन समयों के अंदर से हम यीशु मसीह का खून आगे बढ़ाकर छुड़ा लेते हैं, मेरे यीशु का खून आगे बढ़ाते और हम अपने सारे जिंदगी के व्यवहार छुड़ा लेते हैं। और मेरे खुदा परमेश्वर, जो भी परमेश्वर हमें इस पृथ्वी के ऊपर अच्छा समय और जो हमें परमेश्वर तरक्की करने का समय, हमारे जिंदगियों को अच्छे लोग मिलने का समय और जो अच्छे काम होने का समय, जो हमारे जिंदगी को आगे बढ़ाने का समय, हमारे जिंदगी को सामर्थ्य बनाने वाला समय, हमारे अंदर परमेश्वर का नियंत्रण आने वाला समय, हमारे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक उतरने का समय, हमारे आराधना का समय, हमारे प्रार्थना बाइबल रीडिंग का समय, हमारे लोग रिश्तेदारों में मेल रखने का समय और प्रीति और शांति से मसीह भाई बहनों के साथ रहने का समय हम यीशु के खून में छुपा लेते हैं। पवित्र यीशु के खून में हमारे उपवास का समय, हमारा रविवार और हमारा जो गुरुवार का जो प्रार्थना सभाएं होती है, हर जगह जहां पर हम मिनिस्ट्री करते हैं, गॉस्पल के लिए जाते हैं, जगह जगह जहां पर भी हम हेल्प के लिए जाते हैं, जगह जगह जो हम समय समय फोन कॉल्स रिसीव करते हैं या डोर के ऊपर अगर कोई नॉक हुआ तो हम उनको रिसीव करते हैं, तो हर जगह में मैं यीशु का खून आगे बढ़ाती हूँ। और रबा बखा सील रबियान तुरा रिदान नमगहा हसन रबाहो उदांत खबर शते निनमरा सियांदुरा। हम यीशु मसीह का खून आगे बढ़ाते हैं, हम यीशु मसीह का खून आगे बढ़ाते हैं। यीशु मसीह का खून चोरी नाश घात करने वाले से ऊपर चढ़ता है। मेरा यीशु मसीह का खून हमें हाईवेज में से चढ़ाता है। मेरा यीशु मसीह का खून हमें परमेश्वर के किंगडम में से, हमें परमेश्वर के हेवन में से सब कुछ भलाई में बदल कर देता है। मेरे यीशु के नाम से ओ रब बखसिया ल रहा हदंत के बरखे सियांदुरा रदेन न मखसी के ल रबियांदुरा रिदान न मगहा हजंद रबा हो सियांदुरा अदेंत खाबा शहंत के बर्रे के लरा ओहांत के बर्रे के लर बियांतुरा अदे दीन न मगहा हदंत के बर्रे किस्ता। हमारे घर को, हमारे घर के छत जमीन दीवार को, हमारे इर्द गिर्द के एटमॉस्फियर को, हमारे घर के अंदर के एटमॉस्फियर को, हमारे घर के सारे रूम्स को, हमारे घर के अंदर की सारी वस्तुओं को, हमारे सारे लोगों को, हर एक हमारे उठने बैठने की जगहों को जो भी कैप्टिवेट किया है, जहां कहीं से भी हमारे सोने के बिस्तर को, बैठने के चेयर्स को, हमारे खाने पीने के डाइनिंग टेबल्स को, और जहां कहीं पर भी हमारे चेंजिंग रूम है या कहीं पर भी रिफ्रेशिंग हमारा रूम है, जहां पर हम परमेश्वर कोई भी काम करते हैं या कोई प्रकार से परमेश्वर हमारे किचन रूम्स है या हमारे स्टोर रूम्स है, हमारे बालकनी है, किसी को भी मैजिक पावर से, विचक्राफ्ट पावर से कोई भी प्रकार से अटैक्स लगाए हैं, कोई प्रकार से हमारे फ्रंट मेन डोर को अटैक है, कोई प्रकार से पैसेज में, हमारे आने जाने के स्टेयरकेस में, हमारी आंखें बाहर देखती है उन दिशाओं में अगर कोई भी इवल अटैक्स के स्पिरिट्स वहां पर रिलीज किए गए हैं, अगर कोई इवल शब्दों को रिलीज किया गया है, मैं यीशु के नाम से पवित्र यीशु के खून को आगे बढ़ाती हूँ, पवित्र यीशु के खून को आगे बढ़ाती हूँ, पवित्र यीशु के खून को आगे बढ़ाती हूँ। I don't care तू कितना बड़ा और तू कितना काम करने वाला कौन सा पावर है, मैं यीशु का खून तेरे सामने लाती हूँ और मैं सब जगहों से सारी शक्तियों को निकाल रही हूँ और यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ, निकल कर अपने अपने जगह छोड़कर
निकल जाओ, यीशु के नाम से मैं तुमको आज्ञा देती हूँ। और रब बखसील रबियांतुरा रदान नमसील रबांतरा अतियाकुम्बर रखा शंदर बाह अतियाकुम्र केल रास्ता। हमारे अंदर जो भी प्रकार का चंचल ऐसा स्वभाव आने के लिए, जो प्रकार के हमें भटकते रहने का श्राप है, यीशु के नाम से उसे हम कैंसल ब्रेक और डिस्ट्रॉय करते हैं। उग्र बनने का जो शक्तियां हमको प्रवोक करती है, यीशु के नाम से वो पोर्टल को हम बंद कर देते हैं। हम यीशु के खून को लगाते हैं उस पोर्टल के ऊपर जो शैतान ने हमारे अंदर उग्र बनने के लिए, हमारे अंदर एग्रेसिव होने के लिए पोर्टल खोले हैं, जो हमारी जुबान को जो प्रकार से गलत शब्दों से, नेगेटिव शब्दों से और नेगेटिव बातों से भरना चाहता है, निंदा और गलतियों को बोलना चाहता है, जो भी हमारे जुबान का उपयोग दुष्टता में उठाना चाहता है, यीशु के आग से वो पोर्टल पवित्र यीशु के खून को लगाकर बंद कर रही हूं मैं। यीशु के खून को मैं आगे बढ़ाती हूं, पवित्र यीशु के खून को मैं आगे बढ़ाती हूं। पवित्र यीशु के खून में वो ताकत है जो कोई रोग की शक्ति, कोई काल की शक्ति, कोई उद्वेग की शक्ति, कोई प्रकार के चंचल करने की शक्ति काम नहीं कर पाएगी। वो हर प्रकार के राहु को, हर प्रकार के गुलिका को, हर प्रकार के यामा को वो डिस्ट्रॉय करने वाला पवित्र यीशु का खून है। अब्बा पिता, मेरे खुदा यीशु का खून आगे बढ़ाती हूँ। जिसने किसी ने हमें राहु में बांध के रखा है, यामा में बांध के रखा है, गुलिका में बांध के रखा है, वो समयों में से पवित्र आत्मा आगे बढ़े, क्योंकि यीशु का खून हमारे ऊपर दिया गया है। हमें शैतान के पनिशमेंट्स में से छुड़ाए, शैतान के हथियारों में से छुड़ाए, शैतान के सेप्टर्स में से, वेपन्स में से हमको छुड़ाए। पवित्र आत्मा आगे बढ़े, स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से खुल जाए हमारे लिए, और हमारे जो भी जगह में हमें जो डैमेजिंग हमारे जिंदगी को करने के लिए जो प्रकार से हथियार लगाए गए हैं, समय लगाए गए हैं, उसके अंदर से हमारे आत्मा प्राण शरीर को बचाकर बाहर निकाले। और रबा बखतिया खूब रखा सियांदुरा रदान नमका सियांदुरो रदेन नमका लिरबियांदुरा उहात किन बरका अश्केर बकुंब रकासा। इवल बोल्डनेस, इवल वॉयलेंस, जो हमारे अंदर जो दुष्टता का स्वभाव, दुष्टता की ढिटाई और दुष्टता का जो हमारे अंदर धैर्य उत्पन्न करने वाला पोर्टल है, यीशु के आग से मैं उसे जलाती हूँ और उस पोर्टल में यीशु का खून लगाती हूँ और उस खून को याद रखती हूँ कि वो खून मेरे यीशु ने मुझे बचाने के लिए बहाया है। वो खून मुझे हर शैतानी पोर्टल्स को बंद करने के बाद में यीशु का खून मेरे लिए रखवाली करेगा। अब पिता ये पोर्टल्स दोबारा बनने मत दे। अब पिता जो हमारे जिंदगियों को छेद लगे हैं, हमारे पैरों को, हमारे हाथों को, हमारे सर के माथों को, जो भी शैतान का कोई भी हथियार लगा है, यीशु के नाम से वो हथियार पवित्र आत्मा आगे बढ़ और उसे तोड़कर अलग कर हमारे जिंदगी से, हमारे आत्मा में से तोड़कर अलग कर दे वो हथियार को, हमारे प्राण में से उसको तोड़कर अलग कर दे। पवित्र यीशु के नाम से हम विनती करते हैं, यीशु का खून आगे बढ़ाते हैं, हमारे माथे को लगाते हैं, हमारे पैरों के तलवों को लगाते हैं, हमारे हाथों को लगाते हैं, हमारी जुबान को यीशु का खून लगाते हैं, जो हमें नथुनों को श्वास में जो स्मेल देते हैं, वो स्मेल में से जो पोर्टल खोले जाते हैं, वो शैतान का काम मेरे पवित्र आत्मा अटैक कर, उसके ऊपर अटैक कर। जब भी परमेश्वर नशे का कोई ऐसा धुंधला देने वाला, नशे का हवा कोई खोलता है, कोई प्रकार से किसी भी परमेश्वर पिता गंदे कपड़े का स्मेल खोलता है, या कोई प्रकार से खुदा परमेश्वर एस्ट्रल प्रोजेक्शन या साइकिक पावर का इस्तेमाल करके हमारे स्मेल को परमेश्वर कोई गलत और मरे हुए लोगों के कपड़ों से वो सुंघाता है, ऐसे कोई भी काम हमारे स्मेल के साथ किया जाता है जो अदृश्य में से किया जाता है, मैं यीशु का खून आगे बढ़ाती हूँ, मैं यीशु का खून आगे बढ़ाती हूँ। कोई भी प्रकार से एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके चंचल टाइम में, उद्वेग टाइम में, काल टाइम में, रोग टाइम में
हमारे यहाँ विजिट करने के लिए आता है। यीशु के आग से मैं वो समयों को पवित्र आत्मा के आग में जलाती हूँ और उन समयों के पोर्टल्स को मैं यीशु के खून को लगाकर बंद करती हूँ। यीशु का खून हमारे लिए है, प्रभु यीशु का खून हमारे घर, हमारे घर की चीजें, हमारे लोगों को सुरक्षित करने के लिए मैं हम पर लगाती हूँ। मेरे यीशु का खून हर वह समयों को फाइट करेगा जो हमको उस पोर्टल में से अटैक करने वाले स्पिरिट्स, एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने वाले आत्माएं निकलती है। यीशु के नाम से जो भी हमारे कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस के अंदर कोई भी पोर्टल्स लगाया है जो हमें उसके बातें सुनाता है, जो कोई हमारे अंदर नेगेटिव सोचे आने का रास्ता देता है या डैमेजिंग हमारे जिंदगी को बनाने के लिए वो हमें कोई आइडियाज देता है या हमें सजेशंस देता है, वो पोर्टल्स को यीशु का खून लगाती हूँ मैं। पवित्र यीशु का खून लगाती हूँ मैं, यीशु का खून मैं लगाती हूँ और वो पोर्टल्स मैं बंद करती हूँ। ओ रब बखतिया खूब रखा सियांदुरार दान न मगहास्ते और हास की रुब खुम्बर खोल रहा दिया तू न रखास्ता उदार रबाहा हदिया कुब्रिके लरबाहा दंतिल रबियां तुरा रदेन नामा सील रबियां तुरा रिदान नमगाहा हसंदरा रखम दोल रहा अकीन बर रखा सा। जो हमारे माइंड को कहीं पर भी पैसिव करता है, जो कोई भी प्रकार से डिस्ट्रैक्शन करता है या हमारे फोकस को, मकसद को वो ढीला कर देता है, हमारे हाथों से हमारी बातों को छुड़वा देता है। मेरे यीशु के नाम से वो स्पिरिट को मैं अटैक होने के लिए परमेश्वर का आत्मा आगे बढ़ने की मैं विनती करती हूँ। मेरे यीशु के नाम से पवित्र आत्मा का आग आगे बढ़े और जो हमें अंधा गूंगा बहरा करना चाहता है, जो आत्मा में हमारे हर एक एक्टिविटीज को पैसिव करना चाहता है, उस जगह में अटैक हो, पवित्र आत्मा का अटैक हो, पवित्र आत्मा का अटैक हो, पवित्र आत्मा के आग से अटैक हो, पवित्र आत्मा के आग से अटैक हो। ओ रब बखतिया खूब रखा सियांदुरार दान न मगास्ते अदेतीन न मगा हजंदरा रदेन न मखा सीखल रबियांतुरा। धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु, धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु। जो भी शैतान का ब्लाइंडिंग पावर है, जो ब्लाइंडिंग ओकल्ट प्रैक्टिस है, जो ब्लाइंडिंग विचक्राफ्ट है, यीशु के नाम से हमारे मन के ऊपर से हम मिटा देते हैं, हमारे मन के ऊपर से उसे हम हटा देते हैं, हमारे मन के ऊपर से उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हम वो सब कुछ देख पाए, हम वो सब कुछ अपने माइंड में समझ पाए जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। शैतान तेरा सब काम मैं बिगाड़ रही हूँ, जो भी हमारे माइंड को तूने किया है वो सब कुछ मैं यीशु के खून को आगे बढ़ाकर उसमें से तुझे आज्ञा करती हूँ निकल जा और हमारे माइंड को तेरे कब्जे में से, तेरे सारे एक्सपेरिमेंट्स में से मैं छुड़ा रही हूँ। शैतान इतना आसान नहीं है हमारे माइंड के साथ खेलना, जो तू कर रहा है इसके लिए तेरे ऊपर परमेश्वर का स्वर्गदूत टूट पड़ेगा। और रब बखतिया खूब रखा ल रहा सा तेरा मकसद सफल नहीं होगा। मेरे यीशु का खून हमारे ऊपर लगा हुआ है, मेरे माइंड के ऊपर मैं यीशु का खून लगाती हूँ, मेरे माथे के ऊपर यीशु का खून लगाती हूँ, मेरे सारे जो भी हमारे जिंदगी को जरूरत है वो सब कुछ मेरे माइंड में प्रभु यीशु के खून के कारण बना रहेगा। शैतान तेरे साथ फाइट करने का हर एक बात मुझे पवित्र आत्मा मेरे माइंड में देता रहेगा। तू उसे बंद नहीं कर सकता है, तू उसे ढक नहीं सकता है, तू उसके अंदर ब्लाइंडनेस नहीं ला सकता है। और जब तू ऐसा करने की कोशिश करता है तब मेरा परमेश्वर का स्वर्गदूत तेरे साथ फाइट करता है। आमेन। और रब खसील रबियान तुरर दान नमगा हसन रब हस्ते उदांत खाबा शखे नमर रखा सियांदुरा। जो भी हमारे माइंड के अंदर के सोचों को, हमारे माइंड के आइडियाज को, अगले समय जो हमको करना है उन बातों को छुपाने का जो आत्मा रखा है, यीशु के नाम से उस आत्मा के ऊपर पवित्र आत्मा चढ़कर जाए और हमारे लिए फाइट करे। उस जगहों में से हमको छुड़ा पवित्र आत्मा, उस जगह में हमको फंसने का जो कारण है, उस जगह में हमको बंदिश होने का हमारा जो अपराध है, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ मेरे यीशु के नाम से। हमारे मन को, बुद्धि, सोच, विचार, कल्पनाओं के हर घमंड, हर वो गलती, हर वो परमेश्वर व्यर्थ बातों में ध्यान लगाना, सब
मैं पाप है मानती हूँ और उस पाप के लिए मैं माफी मांगती हूँ कि मैं यीशु मसीह के खून को याद करती हूँ कि ये पाप है और ये पाप को मैंने नहीं करना था और मैंने वो अपने मर्जी से वो पाप किए। मैं इस बात को कबूल करती हूँ और मैं उस पाप के लिए माफी मांगती हूँ। मेरे यीशु के नाम से यीशु का खून मैं आगे बढ़ाती हूँ। पिता परमेश्वर, तेरे न्याय के आसन में तेरी माफी को तू मेरे लिए रिलीज कर। यीशु के खून को मैं दिखाती हूँ और मुझे माफी दिला दे। अब पिता, मेरे शरीर के हर एक गुनाह जिसके कारण मैं बंदिश में हूँ, जिसके कारण मैं छल में हूँ, जिसके कारण मैं बीमारी में हूँ, जिसके कारण मेरी जिंदगी के फैसले गलत हुए हैं, जिसके कारण मेरा बुद्धि मन वो सब जगह भूल चुका है जो मुझे होना चाहिए था, अब पिता मेरे पाप मेरी गलती वो सारे माहौल में जो मैंने किया है, जो मैंने परमेश्वर तेरे विरोध की बातें में मैंने अपने जीवन को दिया, धैर्य किया तेरे खिलाफ जाने का, वो सब माफी कर खुदा, उसके लिए माफी कर परमेश्वर। खुदा यीशु का खून मैं तेरे सामने लाती हूँ, माफी कर खुदा। ओ रबा शंद रहा हसेंद रबहो दांत खाबा सियांदुरा रदेन ना मगा सिहाल रबहो दांत खाबा सिखेल रबियांदुरा। अब पिता मैं तुझसे विनती करती हूँ, हमारे मन को तू रखवाली कर, हमारे मन की रखवाली कर परमेश्वर। हमारे मन में जो हमें आने वाला समय, जो हमें पीछे परमेश्वर गए समय और हमारे अभी के समय, जो तू परमेश्वर हमारे अंदर बनाए रखना चाहता है, वो शैतान छुपाने ना पाए परमेश्वर, वो शैतान को छुपाने का रास्ता हम ना दे परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं इस महीने के अंदर हमारे लिए जो तूने रखा है वो सब कुछ हम देखना शुरू करें खुदा, उसके ऊपर हम अपनी सोच लगाना शुरू करें परमेश्वर, उसके मकसद में, उसके ध्यान में, उसके फोकस में चलना, हमारे अंदर फुटस्टेप्स परमेश्वर तैयार होने लगे। अब पिता हम तुझ पे भरोसा करने लगे उन सारी बातों के लिए जो इस महीने में तूने हमारे लिए रचना की है। अब पिता तेरी रचना को हम स्वीकारते हैं और शैतान की रचना को हम ठोकर मारते हैं। अब पिता हमारे माइंड का, हमारे ब्रेन का जो भी सिस्टम कैप्टिविटी में है, तेरी रचना को वो नहीं पहचान सकता है। जो तेरी रचना को छुपाने में शैतान का काम, शैतान का हाथ हमारे माइंड तक पहुंचा हुआ है, उस हाथ को काट दे परमेश्वर, उस जगहों को खाली कर परमेश्वर, उस जगहों में से शैतान के हथियार हटा दे परमेश्वर, उस जगहों में से शैतान के शब्द निकाल दे परमेश्वर, उस जगहों में से शैतान की आंखें फोड़ दे जो वो जगहों को देख पाती है। मेरे यीशु के नाम से खुदा मैं विनती करती हूँ, मेरे ब्रेन का वो जगह खाली कर परमेश्वर, शैतान के हाथों में से, कब्जों में से, कैप्टिविटी में से छुड़ा ले परमेश्वर, और मेरे ब्रेन के अंदर वो सब सोचे आने दे जिसकी मुझे जरूरत है इस महीने में जीने के लिए, और तेरे आराधना, तेरी प्रार्थना के द्वारा, तेरी सेवा करने के लिए और मेरे जिंदगी के सब व्यवहार करने के लिए। अब पिता मेरे ब्रेन की रखवाली कर परमेश्वर, मेरे ब्रेन के सारे अटैक्स को परमेश्वर तो अपनी ताकत देकर नाश कर परमेश्वर, तो अपनी ताकत देकर बच कर निकलना सिखा परमेश्वर, और डिफेंसिव और ऑफेंसिव वेपन मेरे ब्रेन को बचने और फाइट करने के लिए दे परमेश्वर। मैं तुझसे विनती करती हूँ, मेरा ब्रेन तरोताजगी से कर परमेश्वर, हर एक मेरे ब्रेन के अंदर फंसे हुए शैतान के हर एक परमेश्वर पिता चाल, जो भी शैतान का प्लान, जो भी शैतान के चलाकियां हैं, यीशु के नाम से वो डिस्ट्रॉय हो जाए। मेरे यीशु, जो मेरे आने वाला शब्द रोक सकता है, छुपा सकता है, ऐसा जो चैंटिंग करके दुष्ट आत्मा को मेरे ऊपर भेजा जाता है जिसके कारण मैं अगला शब्द भूल जाती हूँ, वो सब चैंटिंग और वो सब इवल स्पिरिट के ऊपर अटैक कर परमेश्वर। मेरे खुदा वो चैंटिंग और वो इवल स्पिरिट का आने का कारण जो जगहों से हुआ है, चाहे वो नशीली हवा छोड़ने की वजह से, या फिर कोई प्रकार से नशीली बातें खिलाकर, या कोई प्रकार से परमेश्वर चैंटिंग करके हमारे वो ब्रेन का हिस्सा पैरालाइज किया है, क्रिपल किया है, कैप्टिविटी में लिया है, मेरे खुदा वो सब जगहों को अब तेरी दया की जरूरत है। अब पिता शत्रु को हमारे ऊपर सफल होने मत दे पिता,
शत्रु को हमारे ऊपर घमंड करने मत दे अबा पिता। शत्रु के सारी चलाकियों को मूर्खता में बदलने की मैं तुझसे विनती करती हूँ, कोई परवाह नहीं परमेश्वर। कितनी नशीली हवा और कितना नशीला चीज हमें खिलाया गया है, कितना बुरे करने वाले काम हमारे जिंदगी के लिए बोले गए हैं, कोई परवाह नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर का सामर्थ्य उससे ऊपर चढ़ता है और हमारी जिंदगी को बदल देने का वो हमारा आश्रय स्थान है और वो हमें कभी निराश नहीं करेगा। हमारी आशा कभी नहीं टूटेगी, हमारा आश्रय स्थान मजबूत है। हमारे जिंदगी को हमें सीधा रास्ता मिलने के लिए हमारा आश्रय स्थान मजबूत है, वो हमारा यहोवा परमेश्वर है, हमारा आश्रय स्थान है जो हमारे लिए यीशु मसीह के खून के कारण हमें मिला है। यीशु मसीह के खून के कारण हमने उस आश्रय स्थान को प्राप्त किया है जिसके अंदर हमें कभी निराशा नहीं मिलती है, जिसके अंदर कभी हम अनसेफ नहीं रहते हैं, जिसके अंदर कभी हम शत्रु के हाथों में नहीं जा सकते हैं। मेरे यीशु के नाम से वो आश्रय स्थान हमारे जिंदगी को हर टूटी जगहों को बनाए। ओ मेरे खुदा, प्रभु यीशु के नाम से यहोवा तेरा नाम है, हम तेरे नाम को आगे बढ़ाते हैं और यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं, हमारा आश्रय स्थान मजबूत है तू। अब्बा पिता, जो भी जगहों में से हमारी जिंदगी का कोई बात कोई व्यवहार तेरे आश्रय स्थान को तोड़कर अलग होकर निकला है, उस जगहों से बाहर कर परमेश्वर, उस जगह से हमें इकट्ठा कर परमेश्वर, उस जगह में से टूटेपन में से हमें इकट्ठा कर परमेश्वर, हमारे हर एक बिखरे हुए समयों में से हमको इकट्ठा कर परमेश्वर, हर एक परमेश्वर झाड़ा फूकी करके बंदिश कर लिए गए समयों में से हमको निकाल कर इकट्ठा कर परमेश्वर, हमको यूनिक बना, हमको परमेश्वर एक कर परमेश्वर, एक कर परमेश्वर, और परमेश्वर हमें तेरे आश्रय स्थान में पूरी तरह से समेट कर ले खुदा। खुदा परमेश्वर हमें तेरे आश्रय स्थान में पूरी तरह से समेट कर ले खुदा, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो कोई भी प्रकार से फिजियोलॉजी हो, चाहे वो सोल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो हवामंडल हो, कहीं पर कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी नॉन मटेरियल हो, इनविजिबल हो, जो भी परमेश्वर तूने हमें दिया है वो सब कुछ को इकट्ठा कर परमेश्वर, हर कैप्टिविटी में से बाहर निकाल कर इकट्ठा लेकर आ खुदा, तेरे आश्रय स्थान में इकट्ठा करके समेट कर लेकर आ खुदा। खुदा कुछ भी शत्रु के कैंप में मत रख परमेश्वर, हमको शत्रु के कैंप में मत रहने दे परमेश्वर, हमको शत्रु के कब्जे के नीचे नहीं रहना है खुदा। खुदा परमेश्वर तेरे झटके, तेरे पावर, तेरे सामर्थ, तेरा जोर परमेश्वर उठा और वो शत्रु के पूरे काम बिगाड़ दे परमेश्वर, जिसके अंदर वो हमें बंदिश रखने में कामयाब पे कामयाब होता जाता है। अब पिता मैं तेरे से विनती कर रही हूँ, शत्रु के वो हथियार तोड़ दे जो उसके चंगुल में जाने के लिए, उसके कब्जे में जाने के लिए हमारा लीडिंग करता है, हमें गाइड करता है, हमें आइडियाज देता है, हमारे साथ कम्युनिकेट करता है, हमारे अंदर माइंड में वो सब मैनिपुलेशंस करता है, हमें बेइज्जत होने के लिए वो रास्ते देता है। मेरे यीशु के नाम से पिता वो सब कब्जे तोड़ दे परमेश्वर, मेरे खुदा वो कब्जे में लेकर जाने वाला आत्मा को आज तू फटका दे, आज तू उसके साथ फाइट कर परमेश्वर। मैं तेरे से तेरे स्वर्ग दूतों को आने के लिए मांगती हूँ और हमारे लिए हमारे मन को कैप्टिविटी में लेकर जाने वाले हर एक आत्माओं के साथ फाइट करने वाले स्वर्ग दूत हम मांगते हैं कि हमारे लिए वो फाइट करे खुदा। अब पिता हम तेरे से विनती करते हैं कि हमारे शरीर को जो कोई भी प्रकार से परमेश्वर कोई प्रकार से लेजी बनाकर रखना चाहता है, या परमेश्वर हमें पूरे समय वेस्ट होने वाला ही ऐसा हमारे शरीर को बनाए रखना चाहता है, सुस्त बनाए रखना चाहता है, और कोई प्रकार से परमेश्वर हमें कुछ भी ना करने का ऐसा परमेश्वर हमें निरुत्साही बनाए रखना चाहता है, वो आत्मा जो भी ये काम कर रहा है हमारे अंदर हमारे शरीर को बेहाल करने के लिए, हमारे शरीर का सब पोटेंशियल खराब करने के लिए, खत्म करने के लिए, हमारे शरीर के सब अवस्था को डैमेज करने के लिए जो भी किया जा रहा है, वो आत्मा के ऊपर पवित्र आत्मा का आग उतर कर रहा है
वह आत्मा जहां कहीं पर भी कोई भी जगह में सेट किया गया वह सेटिंग टूट जाए, डिस्टर्ब हो जाए और उस जगह से वह आत्मा निकलकर, उस जगह को छोड़कर निकलकर चले जाए, प्रभु यीशु के नाम से निकलकर चले जाए। मेरे यीशु के नाम से हम बोलते हैं अबा पिता, हर एक ऑल्टर जिसके ऊपर हमारे जिंदगी का समय लगाया गया है वो ऑल्टर टूट जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा का आग वो ऑल्टर को छुए और वो ऑल्टर पूरी तरह से बेकाम हो जाए, पूरी तरह से उसके ऊपर की दुष्टता के काम टूट जाए, उसके ऊपर किए गए बलिदान के काम टूट जाए, उसके ऊपर किए गए चैंटिंग के काम टूट जाए, उसकी सारी वेदियां पूरी जड़ जमीन के साथ टूट कर बिखर जाए और वहां कोई प्रकार के शैतान का काम हमारे खिलाफ नहीं होने देना। अब पिता, हमारे घर के कोई भी कॉर्नर में, कोई भी जगहों में कुछ भी छुपाए रखा है, उस जगहों को उजियाले में ला। अब पिता, वो उजियाले में आने दे। जो भी शैतान के पावर को अट्रैक्ट होने के लिए जो रास्ता देता है, हमारे घर के अंदर कोई इंसान है तो वो उजियाले से भर जाए, अगर कोई चीज है तो वो पवित्र यीशु के उजियाले से भर जाए। मेरे यीशु के नाम से हर एक बुरी वस्तु, बुरा मन, हर एक बुरा समय हमारे हानि के लिए नहीं, हमारे फायदे के लिए परिवर्तित हो जाए। अब पिता, हम विनती करते हैं, तू सब कुछ हमारे भलाई में बदल देने वाला परमेश्वर है। तूने बलाक और बलाम के समय में ऐसा किया है, तूने इज़राइल को जो श्राप देने के लिए लाया था वो जगह में तूने आशीष में परिवर्तित कर दिया। अब पिता, हर इंसान जो हमारे खिलाफ श्राप देने के लिए लेकर आया जाता है, हर एक हकीम जो हमको ट्रैप करने के लिए लाया जाता है, हर एक आंखें जो हमको ट्रैप करने के लिए ढूंढती है, हर एक मन जो हमको ट्रैप करने के लिए खींचता है, वो सब जगहों में अब परमेश्वर तू परिवर्तित कर दे सब कुछ उनका, फेल कर और हमें ब्लेसिंग्स में बदल दे परमेश्वर, हमें आशीष में बदल दे परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं आबा पिता, उनका मनोकामना हमारे ऊपर पूरा मत होने दे परमेश्वर। मेरे यीशु के नाम से हम विनती करते हैं आबा पिता, ये महीने के हर एक शुरू से लेकर अंत तक खुदा, पूरे आखिरी समय तक यीशु के खून में हर एक दिन को हम धोते हैं, शुद्ध करते हैं यीशु के खून में। हर एक मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे प्रभु यीशु के खून में डुबा देते हैं और हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, हमारा प्रभु है, वो बादशाहों का बादशाह है, हमारा वो बादशाह है। मेरे यीशु का खून हमारे हर एक वीक डेज में चलता है, हर एक दिन, हर एक प्रहर, हर एक 24 आवर्स के शेड्यूल में मेरे यीशु का खून लग चुका है। हमारे जिंदगी को जब हम ये कैलेंडर के अनुसार जीते हैं, तब ये कैलेंडर के अंदर का हर एक समय हमारे लिए परमेश्वर का दरवाजा खोलेगा, शैतान के पोर्टल्स नहीं। मेरे यीशु का खून हर वो एरिया ऑफ लाइफ जो शैतान का पोर्टल्स खोल सकता है, इस कैलेंडर में से बंद कर देती। यीशु के खून से, यीशु के खून से, मैं यीशु के खून से वो सारे कैलेंडर के अंदर से शैतानी पोर्टल्स खुलने वाले हर एक पोर्टल्स खुलने वाले हर एक समय, हर एक दिन, हर एक आवर, प्रहर मैं बंद कर देती हूँ यीशु मसीह के नाम से, वो बंद कर देती हूँ। हर एक कैलेंडर के ऊपर हमारे लिए परमेश्वर का सबसे अच्छा और सामर्थ्य समय हम रिलीज करते हैं, उजियाले का समय हम रिलीज करते हैं, सबसे सामर्थी, सबसे उजियाले से भरा हुआ वो सामर्थ्य समय हम रिलीज करते हैं। ओ फादर, वी थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ रब बखल रहा हतिन तिला रबहा हसंद रबहासा, जो ये साल, ये 2020 या ये आने वाले महीने और ये आने वाले महीनों के सारे दिन जो दिसंबर 31 तक यीशु मसीह का खून लगा देते हैं, हर एक कैलेंडर के डेट्स के ऊपर, हर एक टाइमिंग्स के ऊपर यीशु के खून को लगाती हूँ। जो हमारा पास्ट निकल चुका है उसमें कोई भी प्रकार से दुष्ट चैन होकर एक प्रकार से हमारा पीछा करता हुआ आया है, अब इस महीने में वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। मैं यीशु के नाम से उसको आज्ञा करती हूँ,
तेरा इस महीने के अंदर प्रवेश नहीं होना है। तूने जो हमारे इस महीने में प्रवेश करने का रास्ता बनाया है, उस पोर्टल को मैं यीशु के खून से बंद कर रही हूँ और तुझे मैं आज्ञा करती हूँ, निकल जा यहाँ से, यीशु के खून से बाहर निकल जा। पवित्र यीशु का खून इस घर के अंदर है, इस महीने के अंदर है, इसके अंदर तेरा कोई काम नहीं है, तू निकल जा। परमेश्वर का वचन कहता है जब शत्रु निकलता है तो वो एक दरवाजे से आया रहता है लेकिन सात दरवाजे से निकल जाता है। शैतान तेरे सारे सातों लोगों को लेकर निकल जा यहां से। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आई कमांड यू, मेरे यीशु के नाम से मैं तुझे कमांड करती हूँ, हमारे इस महीने के अंदर तेरा कोई भी एंट्री पॉइंट नहीं है, हमारे मंथ के शुरुआत में भी नहीं और अंत में भी नहीं। तू निकलना है और बुरी तरह से हमारा परमेश्वर का स्वर्गदूत तुझे फटकार फटकार कर निकालेगा। हमारे परमेश्वर का क्रोध तुझ पर आए और तू पूरी तरह से झटक झटक कर हमारे सारे रियाम्स में से भगा दिया जाए। प्रभु यीशु के नाम से तू अपना कोई थ्रोन हमारे अंदर नहीं बना सकता है, अपना कोई अल्टर हमारे ऊपर नहीं चला सकता है। प्रभु यीशु के नाम से तेरे थ्रोन को, तेरे अल्टर को मैं उथल पुथल कर देती हूँ। जहां से तू आया है मैं उन जगहों को तोड़ देती हूँ, तेरे सारे बेस को मैं तोड़ देती हूँ, तेरे फाउंडेशन को मैं तोड़ देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। और जो इंसान के द्वारा तू आया है उसको मैं प्रभु यीशु के प्रकाश में निकल आने के लिए बोलती हूँ। पवित्र आत्मा का अभिषेक उसको परमेश्वर का सुसमाचार सुनने के लिए और पवित्र दर्शन से भरने के लिए आजाद कर दे यीशु के नाम से। मैं बोलती हूँ वो इंसान तेरा कोई मालिक नहीं रहेगा। जो भी इंसान तेरे मालिक है मैं उनको यीशु के खून को आगे बढ़ाकर बोलती हूँ। प्रभु यीशु के सामने हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभु है और वो प्रभु वो उनका प्रभु है, वो बादशाहों का बादशाह है। मेरा यीशु मसीह जिसके सामने जाता है वो पश्चाताप हृदय से भर जाता है। मेरा यीशु मसीह उन लोगों का सामना करे, मेरा यीशु मसीह उनको वो पवित्र दर्शन से भर दे जो अनंत काल का जीवन देता है। मेरे यीशु उनके हाथों से दुष्टता छुड़ा दे, मेरे यीशु का नाम उनके जुबान पर आने लगे, उनके हृदयों में बनने लगे, मेरा यीशु का आत्मा उनके समयों को बदलने लगे, उनको आजाद करने लगे, वो सारे दुष्टता के गुलामी में से वो आजाद होते जाए। मेरे यीशु के नाम से वो सब लोग आजाद हो जाए जो भी हमारे इस महीने को कोई भी प्रकार से घेरना चाहते हैं, कोई भी प्रकार से आक्रमण में रखना चाहते हैं। हर वो इंसान मेरे प्रभु यीशु के खून के द्वारा परिवर्तित होने लगे, मेरे यीशु का खून वो पहचानने लगे, मेरे यीशु के खून की सामर्थ का वो चटका महसूस करने लगे। वो यीशु का खून है, वो कोई भी प्रकार से कोई चिड़िया का या कोई और ऐसे प्राणी का या कोई भी इस पृथ्वी के ऊपर का कोई जीव जंतु का नहीं है खून, वो यीशु मसीह का खून है जो मनुष्य के लिए बहाया गया है। हे दुष्ट इंसान जो तू मुझ पर चलाकिया करता है, जो तू आत्माओं के ढेर को मेरी तरफ बढ़ाता है, मैं तुझसे बात करती हूँ, मेरे यीशु का खून मैं तेरी ओर बढ़ाती हूँ और वो मेरी तलवार है और मैं तेरे आत्मा को परमेश्वर के अधीन होने की आज्ञा करती हूँ यीशु के नाम से। और रबा खतिया खूब रखा सियांदुरा रदेन नामा सील रबा शंदर बहा सियांदुरा रदान खिलबर रखा हंस कोर बकुमस्ता वो हाज जगे बिर रखे ला रबा हशंद रबाउरा रदेन खिलबर रखा इहास कोर बखम बरुकुस्ता लातकुन बर रखा इहास कोर भिखेम बरुकुश हंत खासा। जो भी परमेश्वर हमारे खिलाफ में जो कोई तिराहे के ऊपर कुछ चढ़ाता है, चार दिशाओं में से जो पोर्टल्स को खोलता है हमारे लिए, यीशु का खून उस जगह में जाए और वो काम बिगाड़ दे। जो भी हमारे खिलाफ पोर्टल्स चार दिशाओं के द्वारा खुला है या कोई प्रकार से वो तिराहे चौराहे के द्वारा खुला है या कहीं पर भी गेट्स को या कोई प्रकार से हमारे चारों फेंसिंग के वॉल में से या कोई प्रकार से हमारे घर के घेराव में से कहीं पर भी पोर्टल्स को लगाया है, खोला है, यीशु के खून से मैं उसे बंद कर रही हूँ। मैं यीशु के खून से उसके सारे समयों को डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। मैं यीशु के खून से उसके अंदर प्रवेश करने वाली हर एक आत्माओं को बांध देती हूँ और मैं आज्ञा करती हूँ तुम्हारे लिए पोर्टल्स बंद कर दिए गए हैं, कोई जगह से तुम लोग एंट्री नहीं करेंगे,
कोई हमारे नाम को लेकर एंट्री नहीं करेगा, कोई हमें ढूंढता हुआ एंट्री नहीं करेगा, कोई हमारा पीछा करता हुआ एंट्री नहीं करेगा। यीशु के नाम से वो सब स्पिरिट्स को मैं बाइंड करती हूँ, सब वो ऑल्टर्स को मैं बाइंड करती हूँ, वो जगहों को बाइंड करती हूँ, वो सब समयों को बाइंड करती हूँ और पवित्र परमेश्वर के स्वर्ग दूत के हाथों में देती हूँ। पूरी तरह से उसके ऊपर पूरी तरह से कब्जा ले परमेश्वर के स्वर्ग दूत और उसे पूरी तरह से उथल पुथल कर दे, हर प्रकार से उसको डिस्ट्रॉय कर दे और कोई भी शक्तियां, कोई समय, कोई ऑल्टर हमारे खिलाफ चढ़कर नहीं आ पाएगा उन पोर्टल्स के कारण। मेरे यीशु के नाम से वो पोर्टल्स खत्म हो चुके हैं हमारे इस महीने के अंदर, इस साल के अंदर कोई शैतान का पोर्टल्स आजादी से हमारे खिलाफ नहीं खुला रहेगा। यीशु का खून आगे बढ़े, वो जगह जमीन हर समय को पोर्टल्स जो कराए रखे हैं यीशु के खून से वो बंद किए जाए। मेरे खुदा परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं यहवे, जो भी हमारे जनरेशन के ब्लड लाइन में से खुले हुए पोर्टल से, जो हमारे शरीर के अंदर खुले हुए पोर्टल से, माँ के गर्भ में से आने के वक्त में जो पोर्टल्स खुले हैं, जो हमारे परमेश्वर इस खानदान में आने के वक्त में खुले पोर्टल से, उसको यीशु का खून लगा देती हूँ। उसके द्वारा जो भी हमारे शरीर प्राण आत्मा में समय समय के अनुसार जो भी दुष्टता के आत्माओं का प्रवेश है, यीशु के नाम से रभ्योग करती हूँ मैं वो सब दुष्ट आत्माओं को और मैं आज्ञा करती हूँ तुम्हारे और मेरे बीच में प्रभु यीशु के खून का लाइन लग चुका है, वो बाउंड्री को मैं आगे बढ़ाती हूँ और मैं आज्ञा करती हूँ उस बाउंड्री के विरोध नहीं चलना। मैं यीशु के नाम से तुम पर अटैक करती हूँ, पवित्र आत्मा के आग को मैं तुम्हारे ऊपर फेंकती हूँ और आज्ञा करती हूँ अभी इसी समय मेरे जिंदगी को छोड़कर पलट जाओ, मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए नहीं है, कोई भी तुम्हारा काम मैं अपने जिंदगी में नहीं स्वीकारती। मैं यीशु के नाम से तुम्हारे सारे कामों को और तुम्हारे सारे डोमिनियन को उथल पुथल करके, लताड़ कर, कुचल कर मैं फेंक देती हूँ। निकल जाओ यीशु के नाम से, तुम्हारे कोई पनिशमेंट्स मैं नहीं स्वीकारूंगी, तुम्हारे राज्य को मैं नहीं स्वीकारती हूँ। यीशु के नाम से मैं तुम्हें बेइज्जत करके निकाल रही हूँ, मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम्हारे लिए कोई रिस्पेक्ट और ऑनर नहीं है, मैं यीशु की हूँ और ये जगह, ये जमीन जो मुझे परमेश्वर ने इस जगह पर रखा है, इस जनरेशन में रखा है, उसके ताकत के अनुग्रह के अंदर से मैंने अपना जीवन शुरू किया है। अब तुम लोगों का मेरे ऊपर कोई डोमिनियन नहीं है और ना ही तुम लोग मुझे कोई तरह से पनिश कर सकते हैं। मैं यीशु के नाम से तुम्हारे ऊपर पलटवार भेजती हूँ, मेरे परमेश्वर का क्रोध तुम पर पलटवार होकर आ जाए यीशु के नाम से। ओ रब बखतिया खुब रखसियां दुरा रदे नना मखा सीखा लरबियां तुरा रदीन खिलबर रखा अहस्कीर बखुंब रखो सिहांत को बस्तो उबांदगा बा शंदर बहा हदेंत खिबर रखे आब जोग बुर रखोस्तो रदे नना मा सील रबियां सो ओ हाजगीर बखुंब रखुंब रखा सियां दुरो रदान खिलबर रखा अहस्गीर बखुंब रखो शांत खा सियां दुरा रदान इने में सेल रबियां तुरो रदान खिलबर रखो अहस्कीर बखुंब रखा सिहांत को बस्तो। मेरे खुदा, जो भी हमारे घर के अंदर खाने पीने की चीजें हैं, जो परमेश्वर पिता हमने बाहर से लाए हैं, या परमेश्वर कोई समय प्रहर के अंदर हमने कोई भी जगह से परमेश्वर, जो कहीं पर भी परमेश्वर हमारे हाथों में आया है, वो सब सामान यीशु मसीह तेरे खून से हम शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, उसके अंदर शत्रु का कोई पोर्टल नहीं है। प्रभु यीशु के खून से जो धुल चुका है उसके अंदर शत्रु का कोई पोर्टल बाकी नहीं रहता है, वो हमारे जिंदगी में प्रवेश करने वाला पोर्टल नहीं बनेगा। प्रभु यीशु के नाम से उसके ऊपर डाले गए शत्रु के हर एक हथियार को मैं जला देती हूँ, यीशु के नाम से उसके ऊपर डाली हुई हर एक शत्रु के चाल को मैं डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। वो हमें शत्रु के गिरोह में नहीं लेकर जाएगा, वो हमें शत्रु की पकड़ में नहीं पहुंचाएगा, वो हमें शत्रु के चलाकियों में नहीं फंसाएगा। प्रभु यीशु के नाम से वो सब कुछ जो हमने लाया है यीशु के खून में वो शुद्ध और पवित्र रहेगा।
अबा पिता, वो समयों के आधार से जो भी स्पिरिट उस पोर्टल को लेकर उन धान्य के अंदर से, वो जो भी हमारे परमेश्वर जिंदगी की जरूरत के सामान के अंदर से अगर प्रवेश करना चाहेगा, वो समय के पहले ही वो पोर्टल्स मैंने बंद किए हैं, वो समयों को मैं डिस्ट्रॉय कर देती हूँ, वो समयों के इंतजार में लगाए हुए हर एक प्लान्स को मैं एक्सपोज करती हूँ और यीशु के नाम से उसे कुचल देती हूँ, वो पूरी तरह से जला के भस्म कर देती हूँ और पवित्र आत्मा का अभिषेक रिलीज करती हूँ मेरे सारे सामान के ऊपर, हमारे जिंदगी के हर जरूरत के सामान के ऊपर मैं यीशु का खून रिलीज करती हूँ। वो हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे, वो हमें हॉल्ट नहीं करेंगे, वो हमें शत्रु का बात सुनकर हम पर आक्रमण नहीं करेंगे मेरे यीशु के नाम से। वो शत्रु के हाथों का हथियार नहीं बनेंगे, वो शत्रु के आज्ञाओं को लेने वाला हथियार नहीं बनेंगे, वो यीशु का हथियार है, वो मेरे परमेश्वर का फेवर है, वो परमेश्वर ने दिया हुआ सब कुछ है, उसके ऊपर परमेश्वर जो चाहता है वही हमारे लिए वो करेंगे, वो परमेश्वर की आज्ञा पालन करेंगे, वो परमेश्वर के अधीन रहेंगे और सब कुछ जो हमारे लिए दिया गया है वो सब कुछ परमेश्वर की योजना में हमें बने रहने की सहायता में, फेवर में हमारे साथ रहेंगे। अब पिता हम तुझे धन्यवाद करते हैं, यहवे हम तुझे धन्यवाद करते हैं और रब बखाल रहा अहकिन बर रखा आज के रब खुम शांत खा सियान दुरा रदान नामा सेल रबियान दुरो रदेन खिल बर रखा अजेगे बर रखेस्ते उसकी अरब खोल रहा उसकी अरब होम बरोहो रदेन नामा सील रहा रदान इने में सेल रहा रदन खिल बर रखा शांत खा बस सियान दुरा रदान बल रखा बरो को अशके रब खुम बरो बहार 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 बकम बर रखा तिया कुबरा बुरखाल रहा रिया द्वान खिन बर रखा अहत किन बर रखा रुदान खेल बर रखा शहद किन बर रखा रुदान खेल बहुत या खूब रखा रिखे रिहा तुहा नहा सिहां तुको बुस्तो अजगेर बगोमरा रिगाम रुगो शहद कार रबहो दांत केर बुर कुल रहास्ता रुदान खेल बा आतिया खुम न कहा सियां दुरा रुदान इने में सेल रबिया खुम रिखेल रहा हसंद रहा जो डाउट का आत्मा फियर का आत्मा टिमिड स्पिरिट का जो काम जो भी हमें परमेश्वर के राज्य के काम में कोई प्रकार से बाधाएं हैं यीशु के नाम से मैं उनको रिब्यूक करती हूँ, हमारे जिंदगी में से वो बाहर निकल जाए यीशु के नाम से। मैं बोलती हूँ हमारे हर एक एरिया ऑफ लाइफ में से हर एक फियर स्पिरिट टिमिड स्पिरिट हर एक उद्वेग का आत्मा हर एक प्रकार से जो हमें फ्रस्ट्रेट होने के लिए इरेटेट होने के लिए हमारे अंदर आर्ग्यूमेंट्स और डिबेट होने के लिए कोई भी प्रकार का आत्मा हमारे अंदर काम किया है यीशु के नाम से वो पोर्टल्स हम बंद करते हैं और उस जगहों में से आए हुए हर एक दुष्ट आत्मा को आज्ञा करते हैं निकल जाओ यीशु के नाम से, हमारे जिंदगी के अंदर से बाहर निकल जाओ। जो भी हमारे हृदय के अंदर की मलिनता उनके लिए प्लेटफॉर्म है वो मलिनता के ऊपर परमेश्वर तेरा उजियाला आने दे और वो मलिनता को हटने के लिए हमारी सहायता कर, हमें शुद्ध होने के लिए सहायता कर, हमें उस मलिनता का उस दुर्गंधी का परमेश्वर कोई भी हमें प्यार ना रहे, हमें उससे नफरत करना सिखा, हमें उसके बिना जीना सिखा परमेश्वर, उसके बिना हम परमेश्वर जीने का रास्ता चलने के लिए हमें सहायता कर परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हमारे अंदर कड़वाहट की जड़ ना खुले खुदा, खुदा परमेश्वर हमारे अंदर खुली हुई कड़वाहट की जड़ को हम बंद कर रहे हैं, तेरी माफी को स्वीकारते हैं, तेरी दया को स्वीकारते हैं और हम वो कड़वाहट की खुली जड़ को बंद कर देते हैं और दोबारा वो जड़ कोई खोलने ना पाए, ऐसा सामर्थी अभिषेक हमें दे, तेरे पवित्र वचन को दे, हम वो जड़ के खिलाफ खड़े हो और वो जड़ से हम घृणा करें, नफरत करें, कभी हम वो जड़ को आजादी ना दे, हमारे पास कितने भी मौके क्यों ना आए फिर भी हम उस जड़ को इस्तेमाल ना करें। अब पिता वो पूरी तरह से सूख जाए, उसको कोई खाना ना मिले, उसके लिए कोई ऑप्शंस ना मिले, उसको कोई कॉम्प्रोमाइज ना मिले, उसको कोई भी एक्सेप्टेंस ना मिले, हमेशा ही वो परमेश्वर कुचल दिया जाए, वो हमेशा ही डिसरेस्पेक्ट कर दिया जाए, उसके लिए कोई हमारे अंदर जगह हम नहीं रखेंगे। अब पिता तेरा अनुग्रह हमें दे परमेश्वर, उस जगहों को पूरी तरह से हम में से बॉयकॉट करने का अनुग्रह हमें दे परमेश्वर।
अब्बा पिता, उस जगह को अब परमेश्वर तेरे हाथों में दे देते हैं। वो जगह हमारी नहीं है, वो तेरे लिए है परमेश्वर, क्योंकि उसको तूने क्रूस के ऊपर लेकर गया है और वो क्रूस के कारण ही वो जगह निहत्ता हो चुकी है, वो पावरलेस हो चुकी है। उस जगह का हमें कोई फायदा नहीं है खुदा, उस जगह से हमें तुझे कोई नहीं, कुछ नहीं देना है खुदा। खुदा परमेश्वर वो सब कुछ घृणा किए गए हैं अब्बा पिता, वो सब फसल तेरे लिए घृणा के कारण बनते हैं अब्बा परमेश्वर। मैं तुझसे विनती करती हूँ, तुझे प्लीज करने वाला, तेरी कृपा दृष्टि को हमारे ऊपर लेकर आने वाला फसल बीज हम में उपजने लगे परमेश्वर। हमारी जमीन तेरे बीजों से भर जाए परमेश्वर, जो उपज तू हमारे अंदर चाहता है वो बीज हमारे अंदर भरने लगे और वो अच्छे अच्छे परमेश्वर जमीन पकड़े। और पिता परमेश्वर वो समय अच्छे से धैर्य के साथ, धीरज के साथ परमेश्वर अपने फसल देने के समय को प्राप्त कर सके। अब पिता हमें अस्थिर होकर, हमें यहाँ वहां वो बीजों को छोड़कर कॉम्प्रोमाइज में जाने मत दे खुदा, वो बीजों को छोड़कर कुछ और प्राप्त करने के लिए पीछा करने मत दे परमेश्वर, हमारे रास्ते भटकने मत दे। हमें कॉन्सेंट्रेट कर, तूने बोए हुए बीज के फसल आने तक हमें उसके ऊपर फोकस्ड रख परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं यहोवा कि हमको तो फोकस्ड रख परमेश्वर। यहोवा जो दो बीज परमेश्वर तू हमारे अंदर डालता है, जो बीज तू हमारे अंदर भरता है, उस बीज की फसल का हमारे अंदर ध्यान रहे खुदा। वो करप्टेड सीड्स नहीं है, वो इनकरप्टिबल सीड्स है, कभी भी नाश ना होने वाले ऐसे वो परमेश्वर के बीज है। उसकी ही फसल को बनाए रखने के लिए हमें परमेश्वर गलत बीजों को रास्ता देने का मौका उठाने मत दे परमेश्वर। गलत समयों के कारण, गलत जगहों के कारण, गलत संगतियों के कारण या कोई भी प्रकार से जो परमेश्वर हमें गलती करने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकता है, ऐसे जगहों में भी हम तेरे अनुग्रह ही के कारण परमेश्वर तेरे बीज की रखवाली करते हुए पार होकर जाएंगे। हम विश्वास के साथ तुझे धन्यवाद करते हैं कि हम तेरे परमेश्वर अनुग्रह ही के कारण खुदा हम पार हो सकेंगे खुदा। खुदा तेरी दया और अनुग्रह ही के कारण हम अपने रास्ते नहीं भटकेंगे, हम तेरे अनुग्रह ही के कारण परमेश्वर हम अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। जिसके बीज तूने हमारे अंदर लगाए हैं वो पूरी मंजिल होने तक भटकेंगे नहीं, यहोवा हम स्थिर हो जाएंगे। हम विश्वास के साथ तुझे धन्यवाद करते हैं, हमारी स्थिरता का मूल कारण, मूल स्रोत, मूल सामर्थ्य तू एकमात्र है, तेरा अनुग्रह है परमेश्वर। मेरे खुदा तेरा अनुग्रह है खुदा, तेरी दया है हमारी स्थिरता का एकमात्र कारण, तेरी दया तेरा अनुग्रह है परमेश्वर। ओ रब बखतिया खूब रखास्ता रुबा रुबा रिखांबरों को शांत खासी आंदुरा रदा ननामा सेल रबी आंदुरो रदेन खिलबर रखा अस्की रब खोम रखास्ता रदेन खिलबर रखा अस्की रब खोम रखास्ता लातकोर बिख्याम बरो खोला रहास्ता लातकोन बिर्री रबा बाव रखा लरा रियांदुरो रदान मासे स्किल बरो को बजाग गियाम बरो को शांत खार बरो को लरहास्ता। धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु, धन्यवाद करते हैं यहोवा अब्बा पिता, बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं कि तेरा अनुग्रह ही वो मूल कारण है हमारे अंदर मसीही चरित्र बनने का। तेरा दया तेरा अनुग्रह ही वो कारण है मेरे खुदा कि हमारे अंदर वो शांति है जिसके कारण हमारा विवेक हमें दोष नहीं देता है। अब्बा पिता तेरा अनुग्रह ही वो एक कारण है कि हमें आगे का समय देखने को मिलता है। तेरा अनुग्रह ही वो ताकत है परमेश्वर जो हमारे भविष्य को बनाते रहता है। तेरा अनुग्रह ही वो एक कारण है मेरे खुदा परमेश्वर जिसके कारण हम तुझसे कभी भी अलग नहीं होंगे, कभी हम तुझसे टूटेंगे और दूर नहीं जाएंगे। अब पिता परमेश्वर ये कितना ही बड़ा काम यीशु मसीह के खून के कारण हुआ है हम तेरे उस बेटे के लिए, यीशु मसीह के लिए जो हमारा प्रभु है, हमारा बादशाह है। हम उसको नमन करते हैं, हम उसको धन्यवाद करते हैं और इस कारण ही हम परमेश्वर तेरे संतान ठहरे। तेरा आत्मा हमने प्राप्त किया और तेरे आत्मा के द्वारा हम चलाए चलते हैं और तेरी संतान बनते हैं। उसी के कारण हमने विश्वास को प्राप्त किया है, जिसके कारण हम
पहाड़ों को खड़ जा कहते हैं और वो खड़ जाता है, अंजीर के पेड़ को श्रापित करते हैं और वो श्रापित हो जाता है। अब्बा पिता, ये जितना भी हमारे लिए तूने किया हुआ काम है वो सब कुछ यीशु के बलिदान के कारण हमें हमने प्राप्त किया है, प्रभु यीशु के बलिदान के कारण जो हमारा प्रभु है। ओ बारा बारा खसील रबियान तुरा, जो हमारा महायाजक है, ओ जो जो हमारे लिए वो वेदी पर अपना खून चढ़ाकर आया है, वो यीशु मसीह का खून का बलिदान हम स्मरण करते हैं खुदा, जिसके कारण हम जयवंत से भी बढ़कर हो चुके हैं। यीशु का खून हमें विजयी से भी बढ़कर बनाता है, यीशु का खून हमें मोर देन कॉन्करर बनाता है, यीशु का खून हमें अंधकार से टकराना सिखाता है, यीशु का खून हमें अंधकार को पार कर जाना सिखाता है, यीशु का खून हमें चट्टान है, यीशु का खून हमारी जिंदगी को चट्टान पर उभारा हुआ घर बनाता है, यीशु का खून हमें वो समंदर के लहरों से टकराने के आंधी तूफान के टकराने से भी गिरने नहीं देने वाला मजबूत ताकत बनता है। यीशु का खून वो है जो हमें परमेश्वर से जोड़ कर रखता है। ओ बारा 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 खतीना नामा सियान धुरा रदेना नामा सील रबियान धुरा रदान नामा गहसे अदेन तखाबा शांत खा सियान धुरा रदान ने मैं सेल रबियान धुरो रदान नामा गहसा। जब हम अंधेरे के अंदर से भी होकर निकले तो भी हमें वो जगह कोई भी प्रकार से हमें अंधेरे घेर नहीं पाएंगे, क्योंकि उजियाला हमारा आगे बढ़ता रहता है। और रबाबा शंदर खासी आंदुरा रिदान ने में खेल रबियान दुरा रिदान न मगासा। तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर, हमारे पैरों के लिए तेरा वचन दीपक है और हमारे रास्ते के लिए तेरा वचन उजियाला है। और रिखा बुर्रो को शहंत खाबा सियान दुरा, तेरा वचन हमारे लिए पानी है जो हमारे आत्मा को शुद्ध करता है, हमारे हृदय की शुद्धता को मलिनता से निकालकर शुद्धता में बदल देता है। हमें परमेश्वर का वो वचन मिला है जो दुधारी तलवार होकर हमारे हड्डी और मांस को अलग करता है, गुर्दे गुर्दे को अलग करता है, वो प्राण और शरीर को अलग करता है। ओ परमेश्वर का वचन है जो हमारे लिए हथियार होकर, हमारे लिए ढाल होकर आगे बढ़ता है, हमारे जुबान से निकलता है और वो पूरा होकर लौटता है। मेरा यीशु का वो वचन है जो हमारे सुसमाचार देने का वो शब्द है, जो हमारे सुसमाचार होने के लिए हमारे लिए दिया गया फुटस्टेप्स है। परमेश्वर का वो वचन है जो हमें विश्वास में आगे ऊंचा करता है, हमारे विश्वास के दर्जा बढ़ाता है, हमारे विश्वास के स्तर बढ़ा देता है, हमारे विश्वास की स्थिरता में मजबूत करता है वो। मेरा यीशु का वो वचन, ओ बरा खतिया खूब रखा सियान दुरा, वो हमें जीवन देता है। और खाल रोबो होदान तखा, वो हमें नमकीन बनाए रखता है। ओ बरा खा शांत खार बर खोल रहा हसेंदरा रिदान नमा सील रबास्ता, वो हमें कभी भी दो मन होने नहीं देता है। यीशु का वचन हमें एक मन से चलना सिखाता है, हमें स्थिरता में चलाता है, हमें दो राह नहीं बनाता, हमें दो मुहे नहीं बनाता, हमें दो जुबान नहीं बनाता, हमें दो मन नहीं बनाता। यीशु मसीह का वचन हमें एक मन बनाता है, हमें पाप से ऊपर उठने वाला वचन देता है वो। और रबबा खसील रबियान दुरा, वो पाप के बीजों को मार डालने वाली ताकत रखता है, उसके उपजने से पहले उसे कुचल देने वाली ताकत रखता है वो। यीशु का वचन महान सामर्थ्य वचन है। ओ शाबरा खता न खसियान दुगा बसा, वो कठिन हृदय में जाता है और उसे मोम सा बना देता है। ओ बरा 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 खतीना नमा सियान दुरा हदिया खूब रखा हियान दुखा बा सियान दुरा रिदान नमा से अदंत खाबा शहंत खे बर्र खे बिहा खूब रखा सियान दुरा। वो शब्द ऐसा है जब निकलता है तो वो पूरी जगहों का भेद जानकर लौटता है और जगह जगह के हर भेद के ऊपर उजियाला डालता है। ओ बारिक हतिया खूम दलारा सियांदुरा लखतुम दिलारा शांत खा सियांदुरा रदेन खिल बर रखा अहस्केर बखुम बरोखो शांत खा सियांदुरो रदे नना मासील खन बरोखो इश्केर बखुम बरा सियांदुरा रदे नना मखा लरा अहतकेन बर रखो हास गे बर रखे लर बाहोस्ता। ओ मेरा परमेश्वर का वो एकमात्र वो मेमना होकर आया जो बलिदान हुआ, वो एकमात्र मेमना होकर आया, कोई नहीं दूसरा,
कोई परमेश्वर को नहीं है दूसरा, वो एकमात्र मेमना होकर आया, यीशु मसीह उसका नाम है, और वो सच्चा मसीह है, वो यीशु हमारा है, वो हमें मार्ग सत्य जीवन में चलाता है, वो हमें परमेश्वर से मेल कराता है, वो हमारे हृदय को परमेश्वर के लिए खोलता है, वो हमारी जुबान को परमेश्वर के सोचों से भर कर बोलने के लिए वो हमें खोलता है, हमें परमेश्वर से वो प्रेम कराता है, हमें परमेश्वर के राह दिखाता है, हमें परमेश्वर के पसंद के रास्ते चलाता है, हमें परमेश्वर के हृदय के भेद समझाता है। ओ शबियान तुरार दान नमा सी हुक्किया खुम्ब रखा अतकिन बर्रा का सियान दुरा लातू नना सियाल रहा अतकिन बर्रा सियान दुरा रदेन दाल ला रा रखा ब्रोको शहत किन बर्रा का इहाज गोर ब्रोकोस्ता लात को बहु शहत किन बर्रा का अजकेर ब्रोका सियान दुरा। धन्यवाद करते हैं अब्बा फादर गॉड, अच्छे अच्छे भले भले वस्तुओं से वो हमें तृप्त करता है। ओ शबियार बर्रा खा लरा रिया रुरा खंदरा सियान दुरा रदे नना मासील रबाह अजकेर बकोम शांत खासा। वो हमारे जिंदगियों को आगे बढ़ने के रास्ते खोलता है। ओ खा बरख हखो रुबहान ताह सिहान तुखा सील रबास्ता। वो शत्रु के काम नाकामयाब करता है। ओ किया गोबर रखा हकेन बर रखो हांस गेर बर खोल रहा सियान दुरा। वो हमारे अंधेरे समयों का भी वो ही एकमात्र उज्याला का परमेश्वर है, वो प्रभु है हमारा। उस समय के अंदर भी जब अंधेरे के समय होते हैं, वहां पर भी वो हमारा यीशु मसीह प्रभु है, वही एकमात्र जो हमारे लिए कोई भी जगहों में हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, ऐसा हमें वायदा देने वाला एकमात्र है वो। वो एकमात्र हमारा बादशाह है, वो यीशु मसीह है। ओ रब बखाल रहा हदंदलारा सियांदुरा। हम उसकी भेड़े हैं, हम उसकी आवाज सुनते हैं और हम उसके पीछे चलते हैं, और हम में कोई भय नहीं रहता है, और वो हमारी रखवाली करता है, और दोबारा हमें इकट्ठा करके वो भेड़शाला में लाकर रखता है। वो भेड़ों के भेड़शाला का जो दरवाज़ा है वो यीशु मसीह के लिए खोला जाता है। यीशु मसीह हमारा अच्छा गडरिया है और उसको पहचानता है। भेड़ों का जो भेड़शाला का दरवाज़ा है वो मेरे यीशु मसीह को जानता है। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ खाबरा खा शंदरा हा सियांदुरा। ओ यीशु, 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 तू कितना ही करीब है हमारे, कितना ही एक है तू हमारे अंदर, इतना एक है कि हम तुझे एक सेकंड, एक पल के लिए भी अलग नहीं देख रहे। इतना तो हमारे अंदर घुल चुका है अब्बा यहोवा, तो हमारे अंदर घुल चुका है, तेरा स्वाद मीठा है। तू महान परमेश्वर है, तू सामर्थ्य है, तू दया से भरा हुआ है, तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, तू पापों की माफी देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर के साथ मेल करने वाला परमेश्वर का आत्मा के साथ तू हमें भरने वाला वो एकमात्र रास्ता है तू। ओ शबरा बरा 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 बा हुदान दला रा बरा खते न नमा सियान दुरा दान नमा सेल रबा। ओ दान तिखे बर्रा खा शहन तिखे बर्रा के इहान जोगो पर रुको रदे नन्ना मसील रबियान दुरा। मेरे खुदा तू अनंत काल के जीवन तक लेकर जाने वाला परमेश्वर है। ओ अब्बा परमेश्वर, तू हमें कभी भी परमेश्वर मत डर ऐसा ही कहता है, कभी हमें डरने के लिए नहीं छोड़ता है अब्बा। तू कभी हमें परमेश्वर तुझसे अलग होने के लिए नहीं छोड़ता है, ऐसा कोई मार्गदर्शन तू हमें नहीं करता है जिसके कारण तू कहे कि तू हमसे दूर रह, तू मुझसे दूर हो, तू मेरे करीब नहीं आना, ऐसा तू कभी नहीं कहेगा। तू कहेगा कि मेरे करीब आ जाओ, मेरे परमेश्वर ने तुझे वो ही काम दिया है कि जो परमेश्वर ने मांगा है वो तेरे करीब आ जाता है, जो परमेश्वर ने चाहा है वो तुझे गले लगाता है, जो परमेश्वर ने ठहराया है वो तुझ में घुल जाता है, वो ही है तू मेरा यीशु मसीह। और रबा बखा सियांदुरा, तेरे पास आने वाला
कोई भी परमेश्वर ये नहीं कह सकता है कि मुझे यीशु ने ठुकरा दिया। शबरा बरा खतर नन्नमा सियांदुरा रदे नन्नमा खाल रहा हदेन ते खबर रखा सियांदुरा रिदान इने में खेल रबियां तुरा रिदान नन्नमा गहा हदेन दलर बहा सियांदुरा। मेरा यीशु दोष लगाने के लिए नहीं आया, वो दोष नहीं लगाता है। यीशु मसीह वो दोष में से छुड़ाने के लिए आया है। ओ मेरा यहोवा का वो इकलौता प्रिय पुत्र है, वो मनुष्य को वो अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, वो मार्ग लेकर आया है कि वो दोष से मुक्त हो जाए और पाप के दंड से आजाद हो जाए। शबिया खूब रखा सियाम दुरा रिदान नमा सेल रबा। वो भलाई के काम करने वाला प्रभु है, वो चंगाई करने वाला प्रभु है, वो मार्गदर्शन करने वाला प्रभु है, वो भविष्य बताने वाला परमेश्वर का इकलौता प्रिय पुत्र यीशु है। और रखा लरहा देंते लारा सियांदुरा एक आत्मा अनेक उसके वरदान। ओ शराब खसील रबियांदुरा दान नमा सेल रबासा हर एक के जरूरत के हिसाब से वो आत्मा काम करता है। ओ मेरे खुदा यहोवा, ओ यहोवा तेरी भलाई करे उतना, तेरी बढ़ाई करे उतना सब कुछ परमेश्वर कम है। खुदा तेरे भलाइयों को याद करे उतना कम है परमेश्वर। और रब बखाल रहा दंडल रहा सियांदुरा मेरे सृष्टि के निर्माण करता, मेरे सृष्टि के आजाद करने वाले परमेश्वर, मेरे सृष्टि को सुंदर बनाने वाले परमेश्वर, मुझे निर्माण करने वाला परमेश्वर, मैं तेरे सामने नमन करती हूँ, तुझे सलाम करती हूँ, तुझे अभिषेक से परमेश्वर जानती हूँ कि तू ही वो एकमात्र मेरा परमेश्वर है जिसने मेरे आत्मा को जीवित करने वाला यीशु मसीह को भेजा है। ओ बारा बारा बरक तीना नमा सील रबिया सो कुंबरो सो उस खोर बखोंबरो को शांत खाबा सियांदुरा बरे बरे खतीना नमा सील रबियांदुरो रदेन तल्ला रबिया खुमदरा इसकीर बखोंस्तारा सियांदुरो। मेरे खुदा यीशु के नाम से तुझे धन्यवाद करती हूँ। सब कुछ परमेश्वर हमारे 20 किलोमीटर तक यीशु का खून और ये अभिषेक फैलने के लिए मांगती हूँ। अबा पिता हम सब यीशु मसीह के खून के नीचे कवर हो जाते हैं, तेरे अभिषेक में, तेरे आत्मा के सामर्थ्य में हम अपने आप को रखते हैं और तेरा काम पूरा होने के लिए हम तुझे समर्पित हो जाते हैं। यहावे हम तुझे समर्पित हो जाते हैं। यहावे यीशु के नाम से हमें तू ग्रहण किया है, यीशु के बलिदान के कारण तूने हमें स्वीकारा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन। हम भजन संहिता को 91 ओके हम भजन संहिता को पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पर के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1,000 और तेरी दहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पावों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा,
संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन।